वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच और एक अभिभावक की दृष्टि से जन जन को देखना, उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और ऊंचाई उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर हमारा मार्गदर्शन करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सरित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शैलोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले चार दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस जिससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे
तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी, और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हो, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई, और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के सामने प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें, और जिसका निरंतर चल रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये उन स्थितियों में महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर TFR में, MMR में और IMR में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो TFR 3.3 था, और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर TFR 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है, यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। MMR अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि देखें तो 258 है, और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था, और आज के दिन पर 113 है, यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे। IMR 2016 में अगर भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 53 था, आज के दिन पर यह 43 है, और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, आज 33 है। यानी ये तीनों जो पैरामीटर है ये हम सबको प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पर ध्यान दें, और क्वालिटी किस रूप में होनी चाहिए, और अवेयरनेस अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा।
शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी, और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है, यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और उस दिशा में प्रयास करके हम लोग एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े, हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा, मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके हम लोग एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि उस दिशा में और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किए, उन प्रयासों की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, किया भी, लेकिन अभी भी हमारे स्तर पर जो नए प्रयास होने हैं उसमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये केवल यहीं पर ही नहीं, ये केवल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं, महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जोड़ना होगा, एजुकेशन को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने के सामने जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं, उन सभी विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं। यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 आरटीपीसीआर की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से टेस्टिंग क्षमता अब तक 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर यह सर्वाधिक है, 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई है,
इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी। और हम लोगों का जो मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की दृष्टि जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं और जहां पर इसकी आवश्यकता थी। यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीएसएल लेवल 2 की जो हमारी आरटीपीसीआर लैब्स हैं ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों की दिशा में हमारे वहां पर कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है, वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है। लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है और हम लोगों ने विगत 4-4.5 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा। शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी योजना का भरपूर लाभ ले सके, 100% लाभ ले सके, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल हुई और इस टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी लेने और उनकी हरेक गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक सीएससी पीएससी लैब का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4,600 से अधिक सीएससी पीएससी हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग वर्तमान में हरेक सीएससी पीएससी को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी मानित व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है और जब व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है और आप कितनी बार विजिट किए हमें एक बार बताइए। दूसरा, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है, ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस दृष्टि मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए इस दिशा में प्रयास करेंगे और मेरा ये मानना है सीएसआर से हो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर सीएससी पीएससी तक हमें हेल्थ एटीएम को पहुंचाना चाहिए। एक नया प्रयोग होगा ये स्वास्थ्य विभाग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जितने हमारे अभी तक सीएससी पीएससी हैं इसमें जितना मैन पावर होना चाहिए तमाम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं। ये हेल्थ एटीएम हमें वहां पर तत्काल काफी बड़ी संख्या में जांच की सुविधा तो उपलब्ध कराएगा ही, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। जिन विशेषज्ञों का अभाव जिस सेंटर में होगा वहां पर उन लोगों को वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में हेल्थ एटीएम बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और हमें इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना होगा। मुझे प्रसन्नता है क्या यहां पर दो नौ दंपतियों को एक शगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके और खासतौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है उन लोगों के इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित जो एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को आज लॉन्च किया गया है 2021 से 2030 के लिए,
आरटीपीसीआर के मैप्स के उद्घाटन के लिए, सीएससीपीएससी ऐप के लिए और इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।